आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से जीओसी का लेक्चर नंबर 3.2। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, इतनी जल्दी? हाँ बच्चों, तो चलो आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक आपका होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज अपनी हेडिंग लगाइए, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर हम क्या कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन लगा लिए वो लोग क्या इस वीडियो को क्या थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके देख सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो के क्वेश्चन नहीं लगा पाए या फिर जो पहली बार आए हमारे चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए, तो बाकी के लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और बच्चों और इस वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं, और क्या। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज का टॉपिक आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे पहले वाला टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसी तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि पहले वापस जाओ फिर यहाँ पे आओ। अगर आप चाहते हो तो इसी को देखेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, पुराने का कोई लेना देना नहीं है, आपको यह वीडियो भी समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला टॉपिक हम उठाने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट टॉपिक इज वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो पहला जो आपका कंपाउंड है या फिर फॉर्मूला है वो कौन सा उठाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ तो बच्चों देखो, चलो अब हम आ गए, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, जो भी हमारी वीडियो देखने के लिए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी में नोट जरूर बनाए या फिर स्क्रीनशॉट को साथ के साथ लेते जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आप नोट्स को खुद बनाइएगा, अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा, वही आपके बेनिफिशियल होंगे फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम लेवल। ठीक है, आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है कि वीडियो में कितना कंटेंट है, कितनी क्वालिटी है। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, देखो पहला पॉइंट बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 बड़ा यार, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2 मीथेन का CH4। ठीक है, ये तो सिंपल कंपाउंड है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, CH4 हो गया, मैं आपसे बोलूं C2H4O2 ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है समझिएगा। ठीक है, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी बच्चों कल से टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होगा, पहला पॉइंट, सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर किसी भी चीज का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें ओनली क्या बताएगा कि इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और वो कितने कितने प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताएगा बच्चों, कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर कितने आपके एटम प्रेजेंट है और कौन कौन से टाइप के एटम प्रेजेंट है, क्लियर है। ठीक है, और क्या बताएगा, नो इन्फॉर्मेशन गिव अबाउट कनेक्टिविटी, मतलब कौन सा बॉन्ड कैसे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से ज्वाइन है, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन कैसे ज्वाइन है। ठीक है, कौन सा कार्बन कहां पर लगा हुआ है, कौन सा ऑक्सीजन बीच में लगा हुआ है, इसके बारे में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई जानकारी नहीं देगा, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो देखिएगा बच्चों, चलते रहो जाने ना दना देता मुझे, देखो सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, एटम्स के बारे में बताएगा कितने एटम प्रेजेंट है ये बताएगा, लेकिन बॉन्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कुछ एग्जांपल आपको देने ही होंगे, पहला एग्जांपल जैसे कि आपका CH4। ठीक है, तो सिंपल सा ना, अगर मैं आपसे बोलूं C6H12O6, आप सभी जानते हो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या आपको पता है कि कार्बन कैसे लगे होंगे,
क्या आप जानते हो कि हाइड्रोजन कैसे लगे होंगे? क्या आप जानते हो कि 6 ऑक्सीजन कैसे अरेंज होंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में? नहीं जानते ना, ठीक है, नहीं जानते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये बताएगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल आपको क्या याद करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो ओनली आपको बताएगा कि उसमें एटम कौन कौन से प्रेजेंट है, कितने कितने प्रेजेंट है, और वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा अबाउट द कनेक्टिविटी। तो जल्दी से बच्चों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए बच्चों। हो गया, हो गया, चल देखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल। नेक्स्ट है आपका, आज का टॉपिक थोड़ा सा बेसिक है और जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, या फिर इसका एक और भी नाम होता है, एक और भी नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किताबों में आपने देखा होगा, थोड़े से सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर भी होता है, मतलब हल्का सा डिफरेंस भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन पेयर को शो करते हैं, जबकि हम यहाँ पे लोन पेयर को शो नहीं करते। ये छोटा सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में और लुईस स्ट्रक्चर में। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर में क्या होगा, लुईस स्ट्रक्चर हमें क्या बताएगा, लुईस स्ट्रक्चर क्या करेगा आपको, सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। अब देखो जैसा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता रहा था, इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, कितने एटम होंगे, कौन कौन से होंगे, इससे आपको फुल जानकारी मिली बच्चा पढ़े, लेकिन आपको इससे भी मिलेगी लुईस से। लेकिन ये अब नया आया है तो ये आपको और जानकारी देके जाएगा, वो क्या देके जाएगा देखिएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक जानकारी और मिली अबाउट द बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड किससे ज्वाइन है, कैसे ज्वाइन है, डबल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब के बारे में आपको सभी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी अबाउट दी बॉन्ड एंड बॉन्ड पेयर के बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी और एंड लोन पेयर के बारे में भी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर आपका फैंटास्टिक सा स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा मजेदार है, इसमें आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी कि आपका कौन सा बॉन्ड कैसे लगा हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, उसके अंदर कितने लोन पेयर हैं। बात क्लियर हुई है? नहीं होनी भी चाहिए, हो गई होगी बात। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चा पार्ट ए, ठीक है, अगर बच्चा पार्ट ए आपको कुछ करना है उससे पहले आपको पढ़ना होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, ये वाला अच्छा वाला एग्जांपल ये लेते हैं, तो अब यहां पे आपका एक ओ एच, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हुए, दो बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, छह में से दो बने हुए हैं, बचे कितने, चार, तो यहाँ पे इसके पास बचे दो लोन पेयर। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या आपको ये पता चल रहा है कि कितने एटम है, कौन कौन से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कितने कार्बन है, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1, मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर है और कौन कौन से टाइप के एटम है। यहाँ पे आप ये भी पता कर पा रहे हो कि कौन सा बॉन्ड कैसे बना हुआ है, कितने बॉन्ड कार्बन के हैं, ऑक्सीजन आपका कैसे ज्वाइन है, बॉन्ड पेयर के बारे में आपको फुल नॉलेज मिल रही है, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल पा रहा है किसके पास लोन पेयर है और किसके पास लोन पेयर नहीं है। इसमें आपको डॉट्स की हेल्प से लोन पेयर को भी क्या करना है, शो करना है। बात क्लियर हुई या नहीं, सिंपल से रहेगा आपका। देखो मैं आपको एक डायग्राम और बना के शो करूं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, CHH, यहां पे मैं आपसे लगा दूं NH2। अब अपना नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 5 में से कितने बॉन्ड बने हुए, ओनली बॉन्ड बने हुए आपके ओनली 5 में से 3, तो कितने लोन पेयर बचे, लोन पेयर बचे 2, तो यहां पे दोनों लोन पेयर को हम ऐसे शो कर देंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, लुईस स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको ओनली समझा रहा हूं, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे कि कन्वर्ट करो इसे लुईस में, कन्वर्ट कर लो इसको किस में, बॉन्ड लाइन में, ये क्वेश्चन आएंगे। अभी आप सिंपल सिंपल देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में इजीली समझा रहा हूं बच्चा पढ़ी, समझते रहो, ठीक है।
ठीक है, और आपको धमाका करना है तो पढ़ना पड़ेगा, करिए जल्दी से, हो गया ही? ठीक है, तो ये था आपका लुईस। अगर मान लो यही पे आप करना चाह रहे हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपको क्या करना होगा, ओनली स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना बच्चा। हेलो गाइस, चलो आज से आपको गाइस बोला जाएगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। हेलो गाइस, थोड़ा फॉर्मूले को चेक कर लेना, फॉर्मूले की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक में आ गई है, कोई बात नहीं, सही करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली आपके लोन पे रिमूव हो जाएंगे, इसमें आपको क्या पता चलेगा कि कितने आपके नंबर ऑफ एटम है, कौन कौन से एटम है, नेक्स्ट आपको पता चलेगा कितने बॉन्ड पे है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर को शो नहीं किया जाएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात क्लियर हुई ना, हुई या नहीं? स्क्रीनशॉट लगाओ बच्चा, स्क्रीनशॉट लगाओ, ठीक है। वीडियो लाइक करो या मत करो, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको लेके जाना है। अगर यहाँ पे आप आए हो 500 MB खर्च करने के लिए, तो 5 रुपए का माल तो लेके जाओ ना पॉकेट में, काहे के लिए इतना पैसा देते हो हर जगह, ठीक है। अगर माल में कोई कमी हो तो बताओ, करो इसे, हो गया। चलो देखो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बाद कंडेंस फॉर्मूला। इस पे स्टार लगाओ, स्टार वाली चीज है, स्टार केमिस्ट्री वाला चैनल को स्टार बनाइए, स्टार नहीं बनाना, आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर मान लो इस चैनल पे आपको हल्की सी भी परेशानी हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि इस चैनल को इतना इम्प्रूव करना है कि इम्प्रूवमेंट के मामले में नंबर वन बनाना है, ठीक है। तो आपको कमेंट में अच्छी चीजें नहीं लिखनी, आपको बुरी चीजें लिखनी है चैनल की, जो भी कमी हो उसे बताओ। नेक्स्ट आपका कंडेंस फॉर्मूला। आप बताओ कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो कंडेंस फॉर्मूले में क्या होगा, ठीक है, कंडेंस फॉर्मूले में आपका क्या होगा, सो ऑल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, ये तो आपका सब में कॉमन है, ये चीजें आपकी सब बताएंगे, क्लियर है, ठीक है। ये सब चीजें आपको हर चीज में मिल जाएंगी कि आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सो ऑल नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी भी पता चलेगी, इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, कौन सा बॉन्ड कैसे कनेक्ट है, इसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट बॉन्ड डज नॉट शो, लेकिन इसमें आपके जो बॉन्ड है उनको शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला है या फिर स्ट्रक्चर है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, इसमें क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, क्या करेंगे, मिनिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को मिनिमाइज करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, कौन सा एटम कैसे लगा है, किस कारण से लगा है, ये सब नॉलेज आपको मिल जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, तो एग्जाम्पल लेनी जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल है इसका CH3 CH2 CH2। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका एक CH आ गया, यहाँ पे आपका एक CL लग गया CH3। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको सभी पता चल रहे हैं कौन सा कार्बन कैसे कनेक्ट है, बस यहाँ पे बीच में जो बॉन्ड है उनको शो नहीं किया गया है। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि आपका जो CL एटम अलग से लगा हुआ है वो इस कार्बन पे लगा हुआ है, ये सब पता चल रहा है, बस यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, बॉन्ड को शो नहीं किया। ओनली हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, बॉन्ड को शो नहीं किया है। बॉन्ड को शो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हम क्या इसके फॉर्मूले को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। आप देखो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कौन सा, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर का डायग्राम इतना बड़ा बना, अब बार बार यदि हम इसी डायग्राम को बनाएंगे तो हो गया काम, कहां से चलेगा, पेन का खर्चा कौन करेगा, कौन खर्च करेगा इतने पेन, नहीं करने हमको भैया, पेन काहे को खर्च करें, जब हमारे कंडेंस फॉर्मूला जी है तो पेन को खर्च करना बिल्कुल मना है, पेन खर्च आपको नहीं करना, लेकिन
और पेन बचाना है तो आपको एक और फॉर्मूला पढ़ना होगा जिसका नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखे होंगे लाइन 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 बनी हुई ऑर्गेनिक में, वो यही है बॉन्ड लाइन, यही है। चलो देखो, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, जैसे कि मान लो आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया CH3 का होल थ्राइज सी, क्लियर है बच्चा, और यहाँ पे आपका लग गया OH, ठीक है। ये अपने तो इसमें पता तो चल रहा है कि इस कारण से तीन CH3 लगे हुए हैं, एक OH भी लगा है। ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस वाले कार्बन से तीन CH3 लगे हुए हैं, बस यहाँ पे हमने बॉन्ड को शो करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्मूले में ज्यादातर चीज आपको सब पता चलेगी, बस बॉन्ड को शो नहीं करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेक करता हूँ आपकी वीडियो चल भी रही है या फिर चली गई। वंदे मातरम, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय सरस्वती माता। हो गया काम, चल देखो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज वन। अब देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को समझने के लिए ना आपको कुछ बिंदास पार्टी वाली चीजें समझनी है। पहला है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे, ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूं, जिन पॉइंटों को आपको बड़े ही अच्छे से प्रेम वाले भाव से पढ़ना है, समझना है, समझ के लिख के कॉपी में लेके जाना है, ठीक है। तो बच्चा पढ़े ओनली सी बाय सी बॉन्ड आर रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, जो आपके अलग अलग होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी आपका एटम आएगा ऑर्गेनिक में। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन लिखाई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या लिखाई थी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके अलावा कुछ और एटम भी आ सकते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम आएंगे उन्हें क्या बोलोगे, हेट्रो एटम्स, क्लियर है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आएंगे उन्हें क्या बोलोगे आप, हेट्रो एटम्स, ठीक है, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। आपको हमेशा क्या करना है, हेट्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं उनकी जगह डॉट बना दिया जाए। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन is represent in zigzag इसके खाए नहीं खाया तो खा के आइएगा, पानी पीजिएगा एक ग्लास, उसके बाद आइएगा यहाँ पे इस लेक्चर को देखने के लिए। रहे अरे अभी एक लेक्चर दिखाओ ना, ठीक है बच्चे पढ़े zigzag pattern jack। नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट, ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला गया, डबल बॉन्ड्स आर शोन टू लाइंस, जो डबल बॉन्ड है उसको शो करना है टू लाइन से, ठीक है। और नेक्स्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है शो विद थ्री लाइंस, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिनसे आपके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो पूरे रिप्रेजेंटेशन में। बॉन्ड लाइन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट ओनली सीसी बॉन्ड रिप्रेजेंट विद डॉट्स, ठीक है, डॉट से हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ओनली वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपको ज्वाइन करना है किसकी हेल्प से, डॉट की हेल्प से। हेट्रो एटम्स को आप एज इट इज क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, उसे जिग जैग मोशन में लिखोगे। नेक्स्ट आपका डबल बॉन्ड आर शोन टू लाइंस, अगर दो बॉन्ड है तो दो लाइन बनाओ, तीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो थ्री लाइंस बनाओ, क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए,
इस साइड का आपका हो गया होगा, ठीक है, ये सभी आपकी होगी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अजीब करीब। देखो पहला स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसे बनाया। अब देखो जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो यहाँ पर जितने भी डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपके, कार्बन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, चलो ऐसा करते हैं इसको ऐसे हो, एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे होंगे आपके, कार्बन लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं आपके, कार्बन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन और कार्बन को आपको किसकी हेल्प से शो करना है, ओनली डॉट की हेल्प से। कार्बन और हाइड्रोजन को ओनली किसकी हेल्प से शो करना है, ओनली किसकी हेल्प से, डॉट की हेल्प से या वर्टेक्स की हेल्प से। जो जिगजैग मोशन में चल रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहे हैं, कार्बन। ये क्या चल रहे हैं आपके, कार्बन। तो कार्बन को ओनली आपको लाइन की हेल्प से और डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है। और जो ये बीच में लगे हुए ये क्या बॉन्ड, अगर मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, डबल लाइन से जॉइन कर देंगे। अगर मान लो ये कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तीन लाइन बना लो। अगर मान लो इस कार्बन पे आपका एक सीएल लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन पे एक सीएल लगा दो, लेकिन लिखना पड़ेगा सीएल, क्योंकि सीएल आपका क्या है, हेट्रो एटम। सीएल आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सीएल आपका एक हेट्रो एटम है। ओनली कार्बन और हाइड्रोजन को आप शो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि OH, OH होता है ना एल्कोहल ग्रुप, अगर मान लो इस कार्बन पे आपको OH शो करना है, मान लो इस वाले पे, तो यहां से लगा दो एक OH। अब ये मत कहने लगना कि OH का H भी मैं इसी पे शो करूं, वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन आएंगे उन्हीं को शो करना है। क्या करना है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएंगे ओनली उन्हीं को शो करना है, सबको नहीं करना, ठीक है। तो आपको यहां से ओनली कितना समझना है कि जो कार्बन होंगे उन्हें जिगजैग मोशन में शो करना है, पॉइंटों की हेल्प, मतलब पॉइंट की जगह पे क्या रखे होंगे आपके, कार्बन रखे होंगे और हाइड्रोजन रखे होंगे। अगर मान लो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दो लाइन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड है तीन लाइन बनाओ, किसी कार्बन पे कोई अलग का एटम लगा हुआ है तो वहां से एक लाइन खींचो, वो वाला एटम लगा दो, क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बिना क्वेश्चन के नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं, ये कह रही है कन्वर्ट करना है आपको, क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपका ये है CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे Cl लग गया आपका, ये है कुछ क्वेश्चन आपका, यहाँ पे OH लगा लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लॉन्ग चेन को, जो लॉन्ग चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी चेन कार्बन की 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आपके बताओ, लॉन्ग चेन में कार्बन कितने आपके, आपकी वीडियो चल रही है बस वही चेक करने गए थे, ठीक है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन को जो मतलब शो कर दो जिगजैग मोशन में, पांच कार्बन को आपको क्या करना है, जिगजैग मोशन में शो करना है, जल्दी करो। पढ़ाई नहीं करते हैं, आ जाते हैं पढ़ने के लिए, अरे कॉपी पेन निकालो, लिखना शुरू करो, सॉल्व करो, पहले एक क्वेश्चन करा लो दूं, उसी के बाद तो करोगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स फॉर ओनली एंटरटेनमेंट, लेकिन हो नहीं पाया कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पांच कार्बन, कितने कार्बन, पांच, पांचों को शो कर दो। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बताओ यहां से सेकंड वाले कार्बन पे, यहां से आखिरी वाले से सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक सीएल। आखिरी वाले से सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक सीएल। तो यहां से एक बॉन्ड बना के एक सीएल लगा दो। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा 100% आया होगा, जो पहली बार देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सीएल नीचे लगा है, हमने सीएल काहे के लिए ऊपर लगा दिया। बच्चा इस पर डरने की बात नहीं है, चाहे आप सीएल नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे होता है ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, हटाओ तो भी नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, सीएल चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम सीएल को यहाँ पे लगा लें
फिर भी आंसर आपका करेक्ट है, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो फील आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फील, केमिस्ट्री को फील करो बच्चों, फील। हो गया, चलो करो, हो गया ये क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन था ठीक है। अब हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे इसी के ऊपर, तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उससे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, जल्दी लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ वीडियो को स्टॉप करके। हाँ तो बच्चों आपके क्वेश्चन नोट हो चुके हैं ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना सब, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीजें करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम क्या बनाएंगे इसका बॉटलाइन फॉर्मूला, एक तीर दो निशाने, तो जल्दी से कर दो भैया प्यारे, करो शुरू। चल देखो पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बॉटलाइन फॉर्मूला बनाना है। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना काफी ज्यादा इजी, स्ट्रक्चर फॉर्मूले ओनली करना कि आपको बॉन्ड को शो करना है, और ये 100% बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो करो ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये आपका जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी शो करो ठीक है, आपकी इच्छा की बात है, यदि आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको जितने भी कार्बन है सभी एक लाइन में लगा देने हैं, ओनली कार्बन की बात चल रही है क्लियर है, तो जितने भी कार्बन है सभी कार्बन को एक लाइन में लगा देना है, बस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे नहीं लिखना। अब देखो पहले क्वेश्चन में कुछ ब्रैकेट में है क्या, सबसे पहले हम सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाएंगे ठीक है, या फिर चलो एक साथ ही बना देंगे बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर, बताओ इस वाले क्वेश्चन में कुछ ब्रैकेट में लिखा है क्या, नहीं है ठीक है, सभी कार्बन को एक लाइन में लगा दो ठीक है, सी दूसरा वाला सी, फिर सी फिर सी फिर सी, जितने भी कार्बन थे ब्रैकेट वाला कुछ था नहीं, तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो भी आपका ब्रैकेट में नहीं है उन सबको क्या करो आप एक लाइन में लगा दो, जितने भी कार्बन थे सबको आपने एक लाइन में लगा लिया, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगे हैं तीन, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगा दो तीन हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है दो, इस कार्बन पे कितना कुछ नहीं है ऑक्सीजन है, आपको हमेशा याद रखना है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ही ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होगा, ऑक्सीजन आपका हमेशा डबल बॉन्ड से ज्वाइन होगा, ये चीजें याद करने वाली है, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। नेक्स्ट इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन टू, इस पे टू, और इस पे कितने आपके थ्री, बात क्लियर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं था कि आप हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाओ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पे कितना सी एच थ्री, और लगा के इसको क्या लिख सकते हैं बॉन्ड आपको बनाना होगा सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये भी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई टीचर इसको गलत नहीं करेगा क्लियर है। अब बात आएगी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बी एल एफ, ठीक है आपका बी एफ बी एल एफ, अब आपको क्या करना है यहाँ पे BLF में आपको क्या करना है, आपको बॉन्ड लाइन बनाना है। अब देखो बॉन्ड लाइन बनाना काफी ज्यादा ही चीज, आपको क्या करना है लॉन्ग चेन खोजनी है, जो आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए आपको हमेशा ड्रॉ करना होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो आपका कंडेंस फॉर्मूले, ये सभी क्या दिए हुए हैं आपको कंडेंस, तो जो भी आपको कंडेंस फॉर्मूले दिए हुए हैं उन सबके आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको उसका क्या बनाना होगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा बनाने को, हम डायरेक्ट बना सकते हैं पर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप डायरेक्ट भी बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या इसका स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद देखो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच, यही है पांच कार्बन को कैसे शो करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन हो गए। अब बताओ इस कार्बन पे कोई अलग आइटम लगा है क्या, नहीं, इस कार्बन पे कुछ है अलग, नहीं, इस पे है, तो कौन सा कार्बन है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये ट्रिपल वाला है, तो इस ट्रिपल वाले पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को हम किससे शो करेंगे दो लाइन से, बात क्लियर है यानी ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगाना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बात क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट करते जाइए, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करो जल्दी से, फिर चेक करना अपना आंसर, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करो जल्दी करो बच्चों, हो गया होगा। चलो देखो, तो जैसा ही मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्रैकेट में लिखा है उसे छोड़ के सब कुछ लिख दो एक लाइन में,
अब बताओ ये सीएल आपका ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाली चीज को नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट में नहीं है उसे लिखते जाओ। पहले आपका क्या है CH3, ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को ओपन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद CH3 के बाद आपका CH में आपका डबल बॉन्ड है CH, देखते जाना। फिर आपका CH के साथ है CH2, उसके बाद आपका CH। अब CL आपका किस पर लगा है, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाले को आपको नहीं लिखना CH3। अब एक चीज बताओ, ये CL आपका किसके पास लिखा हुआ है, इसके पास लिखा हुआ है। CL आपका किसके पास में है, इसके पास में, तो ये कहां पे लग जाएगा CL आपका, इस कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कहीं आपको कंफ्यूजन हो कि इस वाले कार्बन पे लगाए या इस वाले कार्बन पे, तो आप चेक कर लेना कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड बना हुआ है पहले से, तो टोटल कितने हो गए चार, तो इस पे तो लगने की कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीन बॉन्ड। इस कार्बन के तो ओनली तीन ही बॉन्ड हो पाए, ठीक है, तो एक बॉन्ड किसका बनना होगा, इसका सीएल का। तो यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कि आप चेक कर सकते हो जो भी सीएल है सीएल के बगल वाले कार्बन, मतलब जो भी ब्रैकेट वाला एटम होगा उसके बगल वाले कार्बन को चेक करना कि किसकी बैलेंस शीट सेटिस्फाई नहीं है, किसके बॉन्ड चार नहीं है। जिसके चार बॉन्ड नहीं होंगे उसी पे लगा देना है। वैसे 99% केस में आपका ये बगल वाला ही होगा, ठीक है, जो पहले आएगा। नेक्स्ट है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। बॉन्ड लाइन बनाने के लिए क्या करोगे, सही बच्चों ने बनाया होगा अपनी कॉपियों में, चेक करो लॉन्ग चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, छह कार्बन की लॉन्ग चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया इजीली। अब बताओ पहले कार्बन पे कुछ है क्या, नहीं। दूसरे कार्बन पे है डबल बॉन्ड। थर्ड वाले कार्बन पे कुछ है, नहीं। फोर वाले कार्बन पे है, नहीं। फाइव वाले कार्बन पे क्या है, एक सी है। सिक्स वाले पे है, नहीं। बन गया बॉन्ड लाइन, कुछ था क्या इसमें, नहीं था। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। और थर्ड वाले को ट्राई करो, जल्दी करो, थर्ड वाला ट्राई करो बच्चों, जल्दी। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है, कंसंट्रेशन लगानी है, और आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर पैसा रखना है, ठीक है। जितना ज्यादा आपके अंदर धैर्य होगा आप किसी भी चीज को आसानी से पा सकते हो। अगर आपने धैर्य छोड़ दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो समझ लो आप उसी दिन हार गए जिस दिन से आपके माइंड के अंदर ये आ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे आप वो शक्ति हो, आप वो दिव्य शक्ति हो कि आप जिस चीज के ऊपर हाथ रखो वो चीज आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप अभी वो कर सकते हो, आप उसे इसमें हो, आप वहां से चलना शुरू कर जाए हो जहां से लोगों ने रास्ता छोड़ा है, ठीक है। आप उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके यूज कर सके, यूज करके उनका यूज करो, और जितना हो सकता है फॉलो करो, ठीक है। अपना एक नया रास्ता बनाओ जहां पे हजारों लोग आए आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है। दूसरे के एक्सपीरियंस से अपना एक खुद का रास्ता बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ जिसमें हो गया होगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड वाला आपने ट्राई किया होगा। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, ये तो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3। अब बताओ मैंने आपको अभी भी बताया कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्ड के साथ ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड, नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड, OH आपका किससे लगा होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर आपको उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, बॉन्ड लाइन बनाना काफी आ रही, अब जल्दी जल्दी हम बनाते हैं, ठीक है। यदि आपको लग रहा है वीडियो फास्ट है या फिर स्लो है, तो आप वीडियो को स्पीड को इंक्रीज करो, यूट्यूब आपको इतना अच्छा फीचर देता है। फिर भी कार्बन 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 लॉन्ग चेन 1, 2, 3, ठीक है। इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे भी क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर है। और इस पे क्या लगा हुआ है आपका, बीच वाले पे OH, बन गया बॉन्ड लाइन, कुछ था क्या इसमें, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करने, उसके अलावा हर चीज शो करनी है। क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करो जल्दी से, हो गया होगा। चलो देखो नेक्स्ट फोर वाले में आपको करना क्या है, अब देखो मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाला नहीं लिखना, ब्रैकेट वाला नहीं लिखना, तो मत लिखो। क्या आएगा आपका CH, उसके बाद भी क्या आएगा आपका CH, उसके बाद भी क्या आएगा आपका CH3,
ठीक है। इस वाले कार्बन के आसपास क्या लगे हुए CH3 कितने लगे हुए हैं? तीन। इस कार्बन के पास CH3 कितने लगे हैं? तीन। तो इस कार्बन के पास CH3 कितने लगा दो आप? तीन लगा दो। इस पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। बात क्लियर? सॉरी बच्चों, यहाँ पे अलग से बन गया, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? इतना ही, ठीक है। तो आपने इस कार्बन के पास कितने CH3 लगे थे? तीन। तो हमने तीन लगा दिए। अब बताओ इस कार्बन के आसपास कुछ है क्या? हाँ, इस कार्बन के पास देखो OH है, तो इस पे क्या लगा दो? एक OH। कुछ है क्या? बन गया इजीली। बस आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हवा में घूमोगे। चले को लॉन्ग चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई सी भी ले लो, लॉन्ग चेन तो एक ही है। चार कार्बन की 1 2 3 4। अब बताओ पहले कार्बन पे क्या कुछ है? नहीं है। दूसरे वाले कार्बन पे एक ऊपर भी CH3, एक नीचे भी कार्बन। तो एक ऊपर का कार्बन ऐसे शो कर दो, एक नीचे का कार्बन ऐसे शो कर दो, ठीक है? कार्बन तो आपको डॉट से शो करना है ना, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम ऐसे शो करने हैं। तो यहाँ पे तो आपका एक कार्बन है, तो कार्बन को आप किससे शो करोगे? डॉट से। नीचे वाले कार्बन को भी किससे करोगे? डॉट से। अब बताओ नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा है? OH, तो उस पे लगा दो OH। बन गया बॉन्ड लाइन। सिंपल है या नहीं? इजीली बना सकते हो। लास्ट वाला देखो, 5 वाला ट्राई करके देखो एक बार। 5 वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, हो गया होगा। चलो देखो 5 वाले में क्या करना है आपको। 5 वाले में जो भी आपका ब्रैकेट में उसे लिखना नहीं है। CH3 CH2 CH ब्रैकेट वाला लिखना नहीं है। CH Cl, ठीक है? अब बताओ इस ब्रैकेट के आसपास है क्या? कुछ नहीं है। इसके पास नहीं है। इसके पास है क्या? है CH3। तो इस पे क्या लगाना है? एक CH3। मतलब जो ब्रैकेट पे लगाया ना, उस कार्बन की ब्रांच पे लगेगा, इसीलिए मैं ब्रैकेट वालों को उसके साथ नहीं लेता। इसके पास है क्या? कुछ हाँ है, C2H5। अब C2H5 तो है, C2H5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ओपन करके CH2 CH3 लिख सकते हैं या नहीं? बताओ C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि आपकी चेन कैसी हो जाएगी? लॉन्ग। और आपको क्या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने के लिए लॉन्ग चेन की ही आवश्यकता होती है, ठीक है? तो बताओ 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन की लॉन्ग चेन, BLM बना दो इसका। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ फर्स्ट कार्बन पे कुछ है नहीं, सेकंड पे, थर्ड पे आपका क्या लगा? CH3। CH3 को भी किससे करना है आपको? डॉट से। नेक्स्ट वाले पे क्या लगाया आपका? नेक्स्ट वाले पे लगाया एक Cl, तो इस पे Cl लगा दो। इस पे कुछ है नहीं, इस पे कुछ है नहीं, बन गया बॉन्ड लाइन। सिंपल था या नहीं? जल्दी से नोट डाउन करो इसे, ठीक है? फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का, जल्दी करो इसे, जल्दी करो बच्चों, लेक्चर काफी लेंदी हो गया। चलो हो गया, चल देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है, अब आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इनटू स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपको क्या करना है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। कैसे करेंगे? देखो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन में आंसर कराना चाहूंगा, ठीक है? तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट करो सही बच्चे, सबसे पहले सही बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि मैं इसी में आंसर कर दूंगा। जल्दी करो, हो गया होगा, या फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट किया करो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है अपना ये गंदा वेस्ट करने का, ठीक है? अभी देख रहे हो समझ में आ रहा है, 100% आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन ये कुछ समय के बाद भूल जाओगे, फायदा क्या? तो नोट करके रखो ना, अगर आपकी माइंड पावर अच्छी है तो समझ सकते हो, और अच्छी बात है। अब रहो यहाँ पे आपका एक कार्बन है, तो जितने भी डॉट है वहां पे क्या लगा दो? एक एक कार्बन, ठीक है? आंसर कर रहे हैं हम, ये आंसर है आपका फर्स्ट का, ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो जितने भी आपके डॉट है वहां पे क्या लगा लेने आपको? कार्बन। हो जाएगा इतना। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं? एक। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? चार।
चार में से कितना बना हुआ है अभी एक, तो बचे हुए तीन किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो बचे हुए जितने भी बॉन्ड है उनपे क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन। तो कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना ही लिया, बचे कितने तीन, तीन किसके साथ है, हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, दो, चार में से दो माइनस करो कितना बचा दो, तो टू हाइड्रोजन। तो जितना बचेगा उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, टू, फोर में से टू माइनस करो कितना बचेगा टू, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे टू। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, दो, कितने और बनने चाहिए टू, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे टू। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, वन, एक बॉन्ड है, एक है ना, बनने तो चार चाहिए थे, कितने और बनने चाहिए, तीन और बनने चाहिए, तो इधर टोटल चार होंगे, तो तीन किसके साथ बने होंगे, हाइड्रोजन के साथ। सिंपल है यानी, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ यानी, सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, उसके बाद चलते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके डॉट है वहां पे क्या लगा दो, एक कार्बन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी में आंसर कर रहा हूं, हो जाएगा, ले लिया होगा। चलिए यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एक कार्बन, यहां पर भी क्या लगाना है, एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, क्लियर है। यहां पर भी एक कार्बन और यहां पर भी क्या आएगा, एक कार्बन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, एक, कितने और बनने चाहिए तीन, तो यहाँ पे कितने आएंगे, हाइड्रोजन, थ्री। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, दो, और कितने बनने चाहिए टू, दो हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं पहले से, एक, दो, तीन, कितने और बनने चाहिए, मतलब तीन है, फोर में से थ्री माइनस करो कितना आएगा वन, तो एक हाइड्रोजन, वन। कार्बन के कितने बॉन्ड है, दो, फोर में से टू माइनस करो कितना आएगा टू। कार्बन के कितने बॉन्ड, टू, फोर में से टू माइनस, आप लोग सीख गए होंगे, लगा देता हूँ। कार्बन के कितने बॉन्ड है, तीन, तो बचा हुआ एक किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ, कितने हैं दो, हाइड्रोजन के साथ। हो गया या नहीं क्वेश्चन, हो गया, सिंपल था, बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं था, इजीली कर पाओगे या नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो यदि आप कर पाओगे या नहीं। कर पाएंगे दुख होगा, लेकिन 100% मतलब 100% है, आप भूलोगे नहीं, आपको 100% आया होगा। अगर नहीं आया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, ओनली 5 मिनट की वीडियो आप रिवाइज करो, ठीक है, आपको 100% आएगा। बस आपको यहाँ पे क्या सीखना है, हाइड्रोजन लगाना सीखना है और डॉट को हटा के कार्बन लगाना है, ड्रॉ हो पाएगा यानी, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए, कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन दिया हुआ है तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब हमने सभी कॉरेस्पॉन्डिंग वाले देख लिए। लुईस स्ट्रक्चर में क्या करना है, जो भी आपके लोन पेयर है वहां पे क्या करना है, आपको जितने भी आपके लोन पेयर है उन्हें शो करना है। जैसे ही क्वेश्चन बोले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन क्या बोले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, तो लुईस कैसे बनाएंगे, लुईस के लिए ऐसा आइटम देखो जिसके पास लोन पेयर हो। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है, क्लोरीन के पास है, कितने लोन पेयर है, सिक्स, तो लोन पेयर को शो कर दो। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, चार, क्योंकि एक और एक बॉन्ड के साथ हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, लुईस स्ट्रक्चर। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका, एक छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म करते हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक, एक डिग्री ऑफ कार्बन, उसके बाद जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री और फाइंड करनी है आपको, तो डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है, अभी समझ लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन का मींस क्या होता है, इसका मतलब है आपका कि वन कार्बन, हाउ मेनी कार्बन अटैच्ड बाय वन कार्बन, मतलब आपका एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, वही क्या होगा आपका डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, वही क्या होगी उसकी डिग्री ऑफ कार्बन, निकाल पाओगे यानी, ठीक है, हो पाएगा यानी, मतलब एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, वही क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ। चलो देखते हैं,
ठीक है, जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, CH3 CH2 CH2 CH3। अपना आपको हर एक कार्बन की डिग्री बतानी है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ओनली कार्बन चेक करना है और किसी एटम को चेक नहीं करना है। डिग्री ऑफ कार्बन में ओनली आपको क्या चेक करना है, ओनली कार्बन और किसी एटम को चेक नहीं करना। तो बताओ ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ओनली ये कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो कितनी होगी ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन, तो कितना है ये 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है, एक ये और कोई है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका 2 डिग्री। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, 1 2 3, तो कितने ही हो गई इसकी 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है, ओनली एक ही कार्बन से तो अटैच है 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है, ओनली इस वाले से अटैच है एक ही, तो मतलब ये कार्बन ओनली इससे तो अटैच है और किसी से तो नहीं है 1 डिग्री। तो जो कार्बन जितने कार्बन से अटैच होगा वही क्या होगी इसकी डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल, जैसे कि मान लो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री बतानी है हर एक कार्बन की, हर एक कार्बन की डिग्री बताओ। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, ये कार्बन ओनली इस कार्बन से अटैच है, एक से 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3 4, कितने कार्बन से अटैच है 4 कार्बन, तो ये आपका होगा 4 डिग्री। निकाल पाओगे यानी, ये कार्बन कितने से अटैच है 1 के साथ, ओनली इसके साथ है 1 डिग्री। ये कार्बन किसके साथ ओनली इसके साथ, सॉरी ये कार्बन ओनली किसके साथ है इसके साथ, तो ये कौन सा होगा 1 डिग्री। सेम ये कितने के साथ अटैच है, ये कार्बन एक इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, कितने के साथ है 2 के साथ, तो ये होगा आपका 2 डिग्री। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, अब देखो ये वाले मत गिन लेना, ओनली कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड चेक करना है, Cl और OH से कोई मतलब नहीं है। तो ये कार्बन ओनली किसके साथ अटैच है, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन, तो ये आपका अटैच है 2 डिग्री के साथ। बात क्लियर है, तो आप डिग्री निकाल पाओगे या नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, पहले उससे पहले ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए बच्चों, हो गया होगा। चलो आप देखो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, कि जो 1 डिग्री वाला है उसे क्या लिखोगे आप, प्राइमरी प्राइमरी, ठीक है, जो 1 डिग्री है उसे क्या बोलोगे आप, प्राइमरी। सेकेंड डिग्री को वाले को सेकेंडरी, 3 डिग्री वाले कार्बन को बोलोगे टर्शियरी, ठीक है, जो 4 डिग्री वाला है उसका नाम होगा क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी। क्लियर है, तो जो 1 डिग्री है वो आपका प्राइमरी, 2 डिग्री को आप बोलोगे सेकेंडरी, 3 डिग्री को आप क्या बोलोगे टर्शियरी, और जो 4 डिग्री वाला है उसे क्या बोलोगे आप, क्वार्टरनरी। क्लियर है ये पॉइंट, बस एक क्वेश्चन का आंसर दो यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है तो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिखना या फिर आप अपने मन के अंदर रखना इसकी डिग्री कितनी है। ये कंपाउंड है CH4 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, अब बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच है क्या, नहीं, तो इसका आंसर है 0 डिग्री। कितनी है 0 डिग्री कार्बन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मत समझना, इसका मतलब है 0 डिग्री कार्बन। ये इसकी जो कार्बन की डिग्री है वो कितनी है 0, क्योंकि ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है। क्लियर है, तो आप इजीली निकाल पाओगे या नहीं, चाहे बॉन्ड लाइन में आ जाए चाहे कंडेंस फॉर्मूले में आ जाए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर कर रहे हैं हम यहीं पे फिनिश। आज हमने क्या काफी अच्छे टॉपिक किए, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाए, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको क्या ऐसे ही सभी लेक्चर देखने हैं या फिर IIT जी मीन्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाली सीरीज आपकी काफी अच्छी है, यदि ओनली बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो 1 शॉट वीडियोस डली हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 1 शॉट बाय स्टार दीपक सर, या फिर बाय केमिस्ट्री वाला सर्च करो, आपको वीडियो निकल के आ जाएंगी। क्लियर है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ऐसे ही लगे रहो, मन लगा के पढ़ो, सिलेक्शन पक्का होगा।